वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। उत्तर प्रदेश में अपराधी बदमाशों की श्यामताई हुई है। हर तरफ अपराधियों को खदेड़ भगाया जा रहा है। योगी राज में बड़े से बड़े गुंडे बदमाशों का खेल खत्म करते हुए उनके साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कभी उनकी काली कमाई और डर के दम पर खड़ी की हुई संपत्ति को योगी सरकार जब्त करने में जुटी है। इस कार्रवाई में कभी मुख्तार अंसारी, तो कभी आजम खां, तो कभी अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेता भी आ रहे हैं। इस बीच एक ताजा मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां सोतीगंज के हिस्ट्री शीटर नईम उर्फ हाजी गल्ला पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं सदर बाजार पुलिस ने गल्ला सहित 9 कबाड़ियों के घर पर कुर्की वारंट नोटिस चस्पा कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि सोतीगंज में चोरी और लूट के वाहनों को काटने वाले इन कबाड़ियों की घेराबंदी की जा रही है। पुलिस ने चोरी और लूट के वाहनों को काटने वाले कबाड़ियों की सूची बनाई है, जिसमें नईम उर्फ हाजी गल्ला का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हैं, जो कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। इसके अलावा शातिर कबाड़ियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है, जिसमें पुलिस रोजाना दबिश देने में लगी है। उसके बाद से ही कबाड़ी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन कबाड़ियों की घेराबंदी के लिए उनको गैंगस्टर के निरुद्ध कराया। और आपको बता दें कि कबाड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए जीएसटी की ओर से भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब एसएसपी ने शातिर कबाड़ी हाजी गल्ला पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। इसके अलावा सदर पुलिस के प्रार्थना पत्र पर गल्ला समेत 9 कबाड़ियों के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी कर दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने ढोल बाजे के साथ सोतीगंज में मुनादी कराई। पुलिस ने सभी आरोपियों के घर पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए। कुर्की वारंट में हाजी गल्ला के 2 बेटों के नाम भी शामिल हैं। वहीं मुनादी होते ही सोतीगंज में खलबली मच गई। सोतीगंज के कबाड़ियों के नाम की मुनादी सदर बाजार पुलिस ने की, तो वहां खलबली मच गई। पुलिस ने कहा कि इन कबाड़ियों के आम जनता के दूर रहना चाहिए, ये शातिर कबाड़ी है जिनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे भी दर्ज है। इन लोगों को किसी ने संरक्षण दिया या कोई भी किसी भी तरह की मदद की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई पुलिस जरूर करेगी। वही मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सोतीगंज में शातिर कबाड़ियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई चल रही है। चोरी और लूट के वाहनों को कटाने में मेरठ में पूरी तरह से बंद कराया जा रहा है, और ऐसे में पुलिस प्रयास कर रही है कि इन कबाड़ियों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जा सके। इसके चलते पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और कार्रवाई को अंजाम भी दे रही है। तो देखा आपने किस तरह से यूपी प्रशासन हिस्ट्री शीटर और बदमाशों के खिलाफ मोर्चा संभाले बैठी है। इन कार्रवाइयों को देख के तो ऐसा लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 20